हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। हमने चैप्टर वन में वर्नियर कैलिपर्स से देखा कि कैसे रीडिंग लेते हैं, राइट। एलसी की मैंने बात की थी वर्नियर कैलिपर्स में। तो मुझे वर्नियर कैलिपर्स क्यों यूज होना, क्यों चाहिए था मुझे वर्नियर कैलिपर्स, क्योंकि मुझे पॉइंट के बाद क्या चाहिए थी, पॉइंट के बाद एक्यूरेसी कितनी, दो डिजिट तक, ठीक है। वो हमने पिछले लेक्चर में देखा। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर पॉइंट के बाद मुझे तीन डिजिट की एक्यूरेसी चाहिए, लाइक दिस, यानी एलसी 0.001 सेंटीमीटर चाहिए, तो मैं एक और इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है। तो सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है कैसा। मैंने यहां पर फिगर उसकी बनाई है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की, लाइक, ठीक है। आप यहाँ पे भी इजीली देख सकते हो, मैं दोनों चीज आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि आप इसके ऊपर डिवीजन ना देख सको, बट आप दोनों थिंग को कोरिलेट कर सकते हो इजीली। ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्फीयर फिट किया हुआ है, यानी जिसका मुझे डायमीटर मेजर करना है, जेनो मारे व्यास मापो जे, एक गोड़ो में अहिया मुक्यो जे। तो सबसे पहले ये होता कैसा है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, आप सब देख रहे हो। देखो यहां से मैं इसको क्या कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं, ठीक है। ये जो इमेज है सेम वही चीज हम यहां पे देख रहे हैं, आप इजीली देख सकते हो। जैसे मैं इसको यहां पे ओपन करता जा रहा हूं तो आपको ये 0 to 5 दिख रहा है, राइट, 0 to 5। हो सकता है कि शायद आपको डिविजन देखने में कोई दिक्कत हो। तो ये जो होती है उसको हम बोलते हैं बेस लाइन, यानी ये जो बीच वाली लाइन होगी उसको हम बोलेंगे बेस लाइन, ठीक है। ये वाली, ये जो मेरी लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस लाइन। और ये जो मैं रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें 100 डिवीजन है, ये यहां पर अगर हम 2D में देखें तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर स्केल। और जिसका मुझे डायमीटर मेजर करना है वो मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों के बीच में फिलअप कर दूंगा। कैसे, सपोज मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इसके बीच में रख दूंगा और फिर क्या कर दूंगा, उसको फिट कर दूंगा लाइक दिस। देखो जैसे मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है, मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से फिट कर दिया। हाँ, अब देखना है यहां से ऑपरेट करेंगे, ठीक है। जब भी मैं डायमीटर को मेजर कर रहा हूं यहां से हम ऑपरेट करेंगे और एक आवाज आती है लाइक दिस, तो वहां तक हम इसको फिट करेंगे। उसके बाद जो भी इसका रीडिंग है वो कैसे लेना है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो आपको पता चल गया इस तरीके से हम माइक्रोमीटर में क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को रख के रीडिंग लेते हैं, ठीक है। ये बीच वाली स्केल जो होती है उसको यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रही होगी, 0 to 5, 10 ऐसा, उसको हम बोलेंगे मेन स्केल या तो बेसलाइन। और ये जो रोटेट हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, सर्क्यूलर स्केल। ओके, दैट्स फाइन। वर्नियर और माइक्रोमीटर दोनों में रीडिंग लेने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, बट फॉर्मूला उसकी क्या है, सेम ही है। सबसे पहले मैं यहां पे एलसी कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट की एक्यूरेसी है, पॉइंट के बाद 20, राइट, 0.001 सेंटीमीटर, यानी 3 डिजिट की एक्यूरेसी। तो किस तरीके से होता है वो मैं देखता हूं। देखो यहां पर मैंने एक चीज आपको बताई है जिसको हम बोलते हैं पीच। पीच यानी क्या, कि ये दोनों डिवीजन के बीच का डिस्टेंस, यानी कोई भी दो कंसेक्यूटिव में डिवीजन ले लो स्क्रू के ऊपर, तो उसके बीच का डिस्टेंस उसको हम क्या बोलते हैं, पीच डिस्टेंस। पीच अंतर को ने कहवाई स्क्रू पर ना क्रमिक बे कापा वच्चे नु अंतर, राइट। क्रमिक बे कापा એટલે એકદમ સિમ્પલ લેંગ્વેજ માં આપણે જોઈએ કે ધારો કે આ બે ડિવિઝન છે તો આ બંને વચ્ચે કેટલું અંતર છે, એને આપણે શું કહીશું, પીચ અંતર। ફરી એકવાર, વોટ ઇઝ પીચ ડિસ્ટન્સ, ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન टू कंसेक्यूटिव डिविजन ऑन अ स्क्रू, राइट, स्क्रू पर ना बे क्रमिक कापा वच्चे नु अंतर। एटले यहां से यहां जैसे मैं माइक्रोमीटर को ओपन कर रहा हूं तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक जाने के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको मैं क्या बोलूंगा, मेरा पिच डिस्टेंस। और दूसरी लैंग्वेज में अगर हम देखना चाहे तो कोई भी दो डिविजन के बीच का डिस्टेंस उसको हम क्या बोलेंगे, पिच डिस्टेंस। तो यहां पे जो आप यूज करोगे माइक्रोमीटर अभी के लेवल पे, मेरे पास जो है वो mm में है, तो मैं यहां पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लिख सकता हूं, 1 mm, और mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, 0.1 सेंटीमीटर। तो
तो यहां पे मैं क्या, ये डिस्टेंस मेरा क्या आएगा 0.1 सेंटीमीटर, सिंपल है, पता चल गया। ये लीस्ट काउंट माइक्रोमीटर की क्या है, एलसी। लीस्ट काउंट क्या होता है पता है ना, स्मॉलेस्ट डिविजन ऑन स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट। कोई पण साधन नु नाना मां नानू माप, तो माइक्रोमीटर थी आपणे नाना मां नानू केटलू मापी शकीए अने एनी शुं कहेशुं बेटा, एलसी, पेज डिस्टेंस। तो यहां पे पेज डिस्टेंस मुझे मिल गया 0.1 सेंटीमीटर। अब दूसरा, टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो यहां पे ये जो सर्कुलर स्केल है, अगर आप इसको रोटेट करोगे और देखोगे तो टोटल इसमें कितने डिविजन है, 100। सो 0.1 डिवाइड बाय 100, तो इसकी एलसी यानी माइक्रोमीटर से हम कैसा मेजर कर सकते हैं, वो कितना आएगा, 0.001 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है, बस एलसी मुझे मिल गई। अब देखते हैं रीडिंग कैसे लेना है, मेन स्केल रीडिंग प्लस कौन सा है, सर्कुलर स्केल रीडिंग। सेम फॉर्मूला है, मेन स्केल प्लस एलसी। सर्कुलर स्केल की फॉर्मूला क्या है, एलसी इनटू कोइंसिडेंट माप, मुख्य स्केल नु माप प्लस वर्तुळाकार स्केल नु जे माप छे एनी फॉर्मूला शुं छे, जे वर्नियर मां हती सेम एज, कई एलसी गुणिया संपात तत्व का। मुझे एलसी तो मिल गई यहां पे 0.001 सेंटीमीटर। दो चीज मुझे मेजर करनी है, कौन सा, एक मेन स्केल रीडिंग और दूसरा क्या आएगा, कोइंसिडेंट मार्क। ओके फ्रेंड्स, कोइंसिडेंट मार्क इसमें बहुत इजी है। कोइंसिडेंट मार्क किसको बोलेंगे, बेस लाइन, ये जो एक्स वाई है वो मेरी क्या है, बेस लाइन। तो बेस लाइन के सामने जो भी डिवीजन है उसको मैं क्या बोलूंगा, कोइंसिडेंट मार्क। बेस लाइन के सामने जे पण कापो होय, बराबर, जे नंबर नो कापो होय एने आपणे शुं कहीशुं, संपात थतो कापो। तो सिमिलरली यहां पे मैं लिख सकता हूं कोइंसिडेंट मार्क। अगर ये फिगर को मैं देखू तो यहां पे कोइंसिडेंट मार्क क्या आएगा, बेस लाइन, कौन सी बेस लाइन, दिस वन, उसके सामने कौन सा डिवीजन है सर्कुलर स्केल में, 20। तो ये मेरा क्या आएगा, कोइंसिडेंट मार्क। एलसी मुझे पता है 0.001 सेंटीमीटर। अब क्या है, मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कैसे देखेंगे फ्रेंड, बिल्कुल इजी है। स्फीयर रखने के बाद, ध्यान से सुनो, स्फीयर रखने के बाद कितना डिस्टेंस यहां पे होता है, यानी अप टू लास्ट आपको कितना डिजिट मेन स्केल पे दिख रहा है, यहां पे आपको कितना दिख रहा है, 2। स्केल किसमें है, एमएम में। तो यही मेरा क्या आएगा, मेन स्केल रीडिंग। अगर यहां तक ही होता तो क्या आता, 1.5, राइट। तो ये मेरा क्या आ गया, 0.2 दिख रहा है यहां पे, 0.2 सेंटीमीटर, 2 एमएम यानी कितना होगा, 0.2 सेंटीमीटर। तो बस सारी की सारी चीज मुझे मिल गई, उसको इसमें रख दू तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.22 सेंटीमीटर। ठीक है, पता चला मेन स्केल कैसे लेना है। मेन स्केल यानी ये जो डिस्टेंस, कोई भी चीज यहां पे मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया था माइक्रोमीटर में, ये रखे अगर स्फीयर रखता हो और इतना दिखता है तो ये डिस्टेंस कितना है, 2 mm। तो ये मेरा आएगा कौन सा, मेन स्केल, जिसका मैं लिख लिया 0.2 सेंटीमीटर। एलसी मैंने फाइंड की 0.001 सेंटीमीटर, तो वो मैंने यहां पे रख दी 0.001 सेंटीमीटर प्लस कोइंसिडेंट मार्क, यानी बेस लाइन के सामने जो मार्क है उसको मैं क्या बोलूंगा, कोइंसिडेंट मार्क। तो वो 20 है तो ये मैंने लिख लिया। तो अब इजीली आप फाइंड कर सकते हो कोई भी चीज इसमें रख के, ठीक है, इसका आप डायमीटर फाइंड कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि माइक्रोमीटर क्या है, उसकी क्यों मुझे जरूरत है, और दूसरा तीसरी थिंग कि कैसे मैं यहां पे रीडिंग ले सकता हूं। ठीक है, फॉर गुजराती मीडियम पता चल गया, खबर पड़ी गई, मेन स्केल मुख्य स्केल नु माप એટલે કેટલું, કઈ પણ વસ્તુ મૂકીને આ જેટલું માપ હોય આટલું હોય તો શું થાય, 1.6 સેન્ટીમીટર। તો એ અહીંયા રાખીશું લઘુત્તમ માપ શક્તિ આપણે માપી, એની વેલ્યુ અહીંયા મૂકી અને છેલ્લે સંપાત થતો કાપો, એટલે બેઝ લાઈન ની સામેનો જે કાપો છે એને આપણે શું કહીશું, સંપાત થતો કાપો, એ બધી વસ્તુ મૂકીને આન્સર લાવ્યા। તો આ લેક્ચરમાં આપણે અહીં સુધી આપણે જોઈએ, તમને કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો શું કરો, મને કમેન્ટ કરો, બરાબર છે, કુછ ભી ના પતા ચલ રહા હો કમેન્ટ કરો કમેન્ટ સેક્શન મેં, ઠીક હૈ, મેં આપકો પર્સનલી સમજાઉંગા, રાઈટ, ટિલ દેન એન્જોય, નેક્સ્ટ લેક્ચર મેં હમ ક્યા દેખેંગે, ઇસકી એરર, ઓકે, થેન્ક યુ।